सर जानना चाहूँगा शिशुपाल जी का जन्मदिन है, अपना कीमती समय निकाल के आप आए हैं, क्या जानना चाहेंगे इनके बारे में और पलक जी के बारे में जिनका सहयोग है हम लोग बुलाने में? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि मेरा नाम साहिल अख्तर खान है और शिशुपाल जो है मेरा छोटा भाई है और इसका जन्मदिन है। और मुंबई में सबसे बड़ी बात है कि मुंबई में जन्मदिन मनाया जा रहा है, शिशुपाल पहली बार मुंबई में जन्मदिन मना रहे हैं, अभी एक अच्छी फिल्म भी की है और दूसरी फिल्म भी कर रहे हैं और मेरे साथ भी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो शिशुपाल, और इसी तरह से काम करते रहो। मुझे बहुत खुशी होगी कि जहाँ से हम हैं वहाँ से शिशुपाल भी है, बिहार एक नवादा छोटा सा गाँव है रो, हम दोनों वहाँ से आकर के मुंबई से शहर में आके स्ट्रगल करके और अपना मुकाम हासिल किए हैं, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। शिशुपाल जी जन्मदिन की हार्दिक बधाई, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, काफ़ी हैंडसम पहले लग रही है, और उम्र तो बता नहीं सकता, पूछ नहीं सकता, लेकिन फिर भी बता दीजिए कितनी उम्र हो गई और अब तक का सफर जो रहा है इंडस्ट्री में उसके बारे में बताइए। अभी सर अभी तो मेरी उम्र अभी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, स्टार्टिंग मैंने किया 3 साल से पहले, मैं स्टार्टिंग किया इस इंडस्ट्री में, लेकिन अभी मेरा सहयोग है कि भैया मेरे साथ थे और रास्ता कुछ नहीं था, भैया वहाँ से मुंबई लेके आए, हमारे गांव से लेके आए, और इनका सहयोग रहा अच्छा और काफ़ी। अभी मैंने भोजपुरी की एक फिल्म कर रहा हूँ लीड में देन, और अभी भैया के साथ भी काम कर रहा हूँ, एक सुल्तान विजय फिल्म आ रही है उनके साथ ही मैंने काम किया। और सबसे पहले बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि बदले में मैंने जो डेडिकेशन देखा है वो सबसे अच्छी बात तो ये है कि उस गांव में कुछ भी सुविधा नहीं होने के कारण भी ये पर्सनालिटी वहाँ से निखर के आती है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं भी जब मुंबई आया था तो मेरे लिए भी एक पहला चैलेंज था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो जब मुंबई शहर में आने के बाद देखा कि यार कॉम्पिटिशन बहुत है, तो मैंने भी थोड़ी सी बॉडी बनाना शुरू किया, अच्छे लुक पे काम किए मैंने। अभी जो मेरा लुक देख रहे हैं ये एक फिल्म है सुल्तान मिर्जा, जिसके लिए मैं एक साल से प्रिपरेशन किया हूँ, तो जाकर के ये लुक मेरा भी दिख रहा है। और शिशुपाल भी बहुत अच्छा एक्टर है और मैं चाहता हूँ कि आगे करता रहे, भी थिएटर भी कर चुका है और अभी नमित किशोर की एक्टिंग क्लास भी चालू है इनका, तो आगे उनकी सफर चालू हो गई है। अभी उम्र क्या पूछना, उम्र तो बहुत कम है, अच्छा है, अभी करेगा पेंटिंग मीडिया में और इंडस्ट्री में, आप लोग भी सपोर्ट करें। मैं तो ये चाहता हूँ कि गाँव का बच्चा है और घर का बच्चा है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। शिशुपाल जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट है वो, बेसिकली किस तरह का किरदार निभा रहे हैं, बताइए कितना? एक्चुअली मैं साइकोपिया फिल्म कर रहा हूँ अभी, जो अभी एक आकांक्षा दुबे के साथ अभी उनकी पिक्चर में कर रहा हूँ, बस उनका हो चुका है, सेकेंड शेड्यूल अभी लगेगा, अभी टाइम है थोड़ा सा, 1-2 मंथ टाइम है, लेकिन जल्दी सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा वो फिल्म। पलक इतनी अच्छी दोस्त मिली आपको, क्या कहना चाहेंगे, आज के जमाने में दोस्त अच्छे मिलना थोड़ा मुश्किल होता है? इनका बहुत सपोर्ट रहा मेरे को यहाँ तक, मतलब मुंबई में भी अच्छा खासा सपोर्ट मिला मेरे को, एक फ्रेंड, अच्छे फ्रेंड बन के ये मेरे के साथ रहे और काफ़ी चीज़ों में ये दिखाई मुझे कि हाँ ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। एक्चुअली हमें, मैं बात काटूँगा इनका, क्योंकि पेरेंट्स को अलाउड नहीं है गर्लफ्रेंड बनाना, तो ये बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती हमेशा हमेशा रंग लाती है, और इन दोनों की दोस्ती सलामत रहे और अच्छे काम करें, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा काम करें। पहले काफ़ी बताइए क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? सबसे पहले तो आपको, और ये जो है बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं एक सूट पे मिली, मेरी बहन है आशमा, उनके थ्रू मिली, और इनका जो नेचर रहा है बहुत अच्छा रहा है, बहुत केयरिंग था, हसमुख था और बहुत केयर किया मुझे बनारस में, और जो मैंने काम किया मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया, ऐसा फील नहीं हुआ कि अनजान व्यक्ति के साथ अगर मैंने व्यक्ति में काम किया, बहुत अच्छा लगा। और प्लस इनका आज बर्थडे है तो मैंने सोचा कि सारा काम धाम बाद में होगा, पहले इनके बर्थडे पे ध्यान दिया जाए। तो पलक अभी अभिनेत्री हैं, आपका क्या चल रहा है, क्या करने वाले हैं, और ये भी जानना चाहूँगा कि हाल ही में अक्षरा जी गई थी भोजपुरी इंडस्ट्री सफर से आपका, जी जी, तो जी, वो भी बाहर आ चुकी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? खैर जिस दिन से अक्षरा जी बाहर आई हैं उस दिन से तो मैंने बिग बॉस देखा ही नहीं, क्योंकि वो मेरी फेवरेट है। एक्चुअली मैं आर्टिस्ट थी, मॉडल, और प्लस मैंने सिंगिंग किया ही नहीं था, सिंगिंग कैसे करते, ना मेरा कोई टीचर रहा है, बट मैंने उनसे सीखा और मैंने उनके जैसे ही, कई गाने मेरे रिलीज हुए हैं जो मैंने गाए भी हैं, तो उनसे मुझे सीखने को मिलता है, बट बहुत अच्छी है, और उन्होंने अपने आप को जो रियल है वो दिखाया, और बाकी क्या कह सकते हैं। लेकिन शायद उनका जो निकलना उसकी वजह ये थी कि थोड़ा अपशब्द बोल रही थी वो शो में, तो करण जौहर को ये बात पसंद है, तो उसके बोले क्या कहना चाहेंगे कि अपशब्द बोलना कितना गलत है? नहीं नहीं, बात ऐसा नहीं है, मैं हर एक एपिसोड देखती हूँ, एक्चुअली में जो उनका जो कनेक्शन जब टूटा तो उनका उनको कोई सपोर्ट नहीं कर पाया,
और जो टीम बनाई थी तो अप्सरा के जो टीम्स थे वो कम थे और जो बाकी जो था उनके ज़्यादा था, तो सब एक मिल के टारगेट करते थे इनको, तो वो गलत कहीं ना कहीं लगा। लेकिन खैर, अगर खैर छोड़ते हैं इस बात पर टॉपिक की इनके और पढ़ाते हैं, बट इनका जो बर्थडे बहुत अच्छे से मन रहा है। तो शिशुपल, आपसे जानना चाहूँगा, बिग बॉस की बात हो ही गई थी, बिग बॉस शो में जाने का क्या आपका, क्योंकि पलक को काफ़ी है ये इच्छा कि वही बिग बॉस का हिस्सा बने, शायद विनर भी बने, तो उसके नहीं हर मतलब 90% एक्टर को बिग बॉस आने का मतलब रहता है कि मैं बिग बॉस में काम करूं, बट देखते हैं अभी क्या, अभी फ्यूचर देखते हैं, अगर फ्यूचर से पहले मैं कुछ बनूं तो आए जल्दी मैं बिग बॉस में दिखूंगा आप लोग के साथ। थोड़ा सा मैंने बता दीजिए कैसे सब बच्चों कहाँ के हैं आप क्या? एक्चुअली मैं एक बिहार से हूँ, बिहार में नवादा जिला है, उसमें एक छोटे से गाँव रोह से हूँ मैं, और मैंने पढ़ाई वगैरह पहले स्टार्ट किया था, बट मेरी रुचि एक्टिंग लाइन में थी, बट मैंने दिल्ली आया, दिल्ली में फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया, काफ़ी सारा टाइम थिएटर मैंने किया, उसके बाद थिएटर करने के बाद कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा था, फिर भैया से कांटेक्ट किया, क्योंकि ये काफ़ी फिल्में कर चुके थे उस टाइम, तो मैंने इनको इनसे कांटेक्ट किया, उनसे बात हुई, फिर ये मुझे मुंबई लाए कि मुंबई को दिखाए कि हाँ देखो ये मुंबई ऐसी है और ऐसे काम किया जाए। हाँ, मुंबई दिखाने का रीज़न ये है कि मुंबई में सिर्फ काम करना है, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ लोग आते तो अपने सपने लेके, लेकिन वो सपने को छोड़ के किसी और राह में भटक जाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ शिशुपाल कि तुम जिस मकसद के लिए आए हो तुम वो मकसद पूरा करो। सबसे तो बिहार से संबंध है, तो बिहार से बहुत फेमस एक्टर सबसे अभी हाल फिलहाल मनोज वाजपेयी सबसे फेमस है, क्या कहना चाहेंगे कि बिहार से जो एक्टर्स आए हैं बहुत लंबा यात्रा है, बिहार का काफ़ी लंबा यात्रा है, बॉलीवुड की अगर बात करें अच्छे अच्छे सितारे भी हैं, रवि किशन है, मनोज वाजपेयी है, काफ़ी सारे, क्या कहना चाहेंगे इसे प्रेरित हैं आप बेसिकली अगर देखा जाए? एक्टिंग तो मेरा मतलब एक्चुअली मैं मतलब सुशांत सिंह राजपूत थे, तो मैंने उनसे इंस्पायर हुआ था बहुत, काफ़ी इंस्पायर हुआ था कि वो भी बिहार से आके अच्छे बॉलीवुड में इतने अच्छे काम किए, बट हमारे बीच नहीं रहे, उसके लिए मुझे बहुत दुख है और बहुत दुखी भी रहता हूँ कभी उनके बारे में सोचता हूँ, लगता है कि वो इंडस्ट्री में अभी भी है और कहीं कहीं मतलब मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि वो कहीं गए हैं, तो उनसे इंस्पायर हुआ था मैं, और बाकी मनोज वाजपेयी सर हैं, बाकी और भी एक्टर हैं हमारे वहाँ के, तो अच्छा लगता है कि कोई बिहार का आके बॉलीवुड में इतने नाम कर रहे हैं, तो इंस्पायर अच्छा लगता है उनसे। आपको लगता है कि जो फैसिलिटी और लोगों को मिलती है हमें थोड़ा सा निग्लेक्ट किया जाता है यूपी में आके लोगों को, अपनी पहचान खुद बनाई जाती है, इस बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी? सामने देख के नहीं चलना। हाँ जी, ऐसा जरूर है कि जो यूपी बिहार के लोग आते हैं तो उनको काफ़ी सारे बोलते हैं तुम्हारे डिक्शन नहीं अच्छे हैं, तुम अपने आप पे खुद मेहनत करो, अगर जो इंसान खुद में एक कलाकार है उनको भी कलाकार को दबाई जाती है, ये तो खैर सच है, लेकिन जिनकी किस्मत अच्छी हो तो खैर निकल के रहेंगे, मेहनत रंग लाती है एक न एक दिन, तो क्या है यूपी बिहार वाले जो लोग हैं दिल से मेहनत करते हैं और इसीलिए आज तक बने हैं इंडस्ट्री में और आगे भी बनेंगे, जितने भी यूपी बिहार के लोग आएंगे हमेशा एक अच्छी मुकाम पाए हैं और पाके जाएंगे, इसीलिए तो आए हैं मुंबई। शिशुपाल, लड़कियों के लिए बहुत जल्दी काम मिल जाता है, लड़कों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? सर ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, अगर आप देखते हैं मतलब कि लोग बोलते हैं कि लड़कियों को काम जल्दी मिलता है लड़कों को कम मिलता है, थोड़ा स्ट्रगल होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को भी काम लड़कियों मतलब जल्दी मिल जाता है, लेकिन स्ट्रगल होता है, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं कि लड़कियों से भी जितना लड़कियों को ज़्यादा काम मिलता है हम लोग को भी मिले, उतना मेहनत हम डबल करते हैं उनसे, तो आशा रहता है कि जल्दी मिल जाए। आप न्यूज़ देखते हैं दोनों? जी। कल शाहिद खान का जो मामला था, जी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? प्रतिक्रिया देंगे सर? कल तो मैंने शाहिद खान का न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं देखी, क्योंकि कल इनका बर्थडे था और हम कल पूरे दिन बिजी रहे, कुछ घर पे भी डेकोरेट वगैरह हुआ था। ये सवाल जवाब छोड़ सकते हैं उसके अनुसार, ये भी था कि मेन मुद्दा ये था सर, आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम तो बताता हूँ कि नहीं, मैं एक्चुअली शूट पे था, अभी भी वहीं से आ रहा हूँ। मैं जनरल सवाल ये पूछ लेता हूँ आपसे कि एस्ट्रॉइड्स का जो बिजनेस है, एस्ट्रॉइड्स का बिजनेस से देखिए क्या हो रहा है कि आज के डेट में सबको रिक्वायरमेंट होता है फिल्म इंडस्ट्री में, कहते हैं कि आप अच्छे कुछ सीन कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट आते हैं, स्क्रिप्ट रिक्वायरमेंट होता है कि आप बॉडी बना के आइए, तो 3 महीने में बॉडी बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है,
तो आप लोगों को क्या लगता है कि स्टेरॉइड लेके हम बॉडी बना लेंगे, बट मैं तो मैं कहता हूँ, मेरा सजेशन ये है कि मैं भी लास्ट 10 ईयर से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने कभी स्टेरॉइड नहीं डाला। हाँ, डाइट पे जाता हूँ मैं, डाइट करता हूँ मैं, प्रोटीन लेता हूँ मैं, मिल्क, जो भी आप जो नेचुरल डाइट है, मैं तो कहता हूँ कि आप नेचुरल डाइट को फॉलो करें। स्टेरॉइड लेंगे आपकी बॉडी तो बन जाएगी, लेकिन जो उसका साइड इफेक्ट है, और काफ़ी एक्टर्स के बारे में गुजर चुके हैं, आपने देखा होगा कभी कुछ सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में भी कुछ आया था कि उनके कि उनको उन्होंने कुछ हाई डोज ले चुके थे, ले लिए थे, तो उनकी वजह से भी उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं तो कहता हूँ आप नेचुरल डाइट में रहें, आपकी चावल रोटी दाल चिकन मटन फिश वेजिटेरियन है तो पनीर उनीर खाएं, दूध दूध पिए, मस्त बॉडी बनाएं, बस मेरा मानना ये। बस आप ही में ये बॉडी बिल्डिंग की बात हुई, ज़्यादातर लोग जो आते हैं बॉडी बिल्डिंग पे बहुत फोकस करते हैं। अब शाहरुख जैसे एक्टर के नाम अगर ले लो, इतना काम है, बॉडी बिल्डिंग से कोई लेना नहीं होता भी इसी काम में। देखिए सर, मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, मैं मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो बॉडी की सेकंड पार्ट आता है, आप रिक्वायरमेंट है, स्क्रिप्ट रिक्वायरमेंट होता है कि आपकी पर्सनालिटी इनहेल करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले आप इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि मुझे एक्टिंग करना है और एक्टर बनना है, और एक्टर का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। हम जो है ये नहीं मानते कि हम हीरो ही बन के आए, आप कोई भी कैरेक्टर करते हैं, आप उस पर अपना छाप छोड़ देते हैं, आप हीरो बन जाते हैं उसी दिन उसी रात। तो एक फ्राइडे आपको डिसाइड कर देता है कि आप पब्लिक के दिल में कितना जगह बना सकते हैं। पर अभी तो बहुत इजी हो चुका है सर, आप तो समझ सकते हैं कि OTT जब से आ गया है तब से तो हमारे लिए काम बहुत बढ़ चुका है, हम तो बहुत काम कर रहे हैं बस। और मैं उम्मीद करता हूँ शिशुपाल से कि ये भी फोकस रहे अपने काम पर, ना कि किसी और चीज़ों में भटके। और मैं यहाँ पे इनके लिए एक मुंबई शहर में एक गाइडेंस भी हूँ और बड़ा छोटा भाई है, तो मैं चाहूँगा कि अच्छा काम करें, क्योंकि मैं जहाँ से उम्मीद लेके आया हूँ मित्र भी हैं, बस मैं भी ध्यान रखूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, यही ख़त्म करते हैं इंटरव्यू और इन्जॉय करते हैं, आज इन्जॉय का डे है। तो शिशुपाल के नाम से एक बार ही पीप कर रहे और हैप्पी बर्थडे। ये हमारे साथ भी एसोसिएट है हमारे प्रोजेक्ट में, अभी हम लोग जा रहे हैं गोवा, तो आई होप आप लोगों को इनके कुछ और कारनामे देखने को मिलेंगे। हाँ जरूर जरूर, अभी तो मैंने भोजपुरी किया है, लेकिन भैया एक अंग्रेजी फिल्म कर रहे हैं हम लोग, बॉलीवुड की फिल्म है वो, तो मैं उनके साथ अभी गोवा प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, तो अभी शूट पे भी जा रहे हैं। इसमें भैया इसमें लीड हैं, वो लीड कर रहे हैं, और काफ़ी सारे फिल्में ये कर चुके हैं, और ये खतरों का खिलाड़ी सीजन 4 से भी अभी आए हैं, तो अभी नहीं है। अच्छा, मतलब बहुत टाइम हो गया, सीजन 4 का बहुत टाइम हो गया। तो भैया को थैंक यू सो मच कि ऐसे काबिल समझा, और खतरों की बात कर ही ली है तो ये जानना चाहूँगा रियलिटी शो का जो ड्रामा होता है, मेलो ड्रामा होता है, कितना एडजस्ट कर पाए आप, क्या कहना चाहेंगे? और साथ में पलक जी को बहुत शौक है रियलिटी शो में जाने का, तो प्रिपरेशन दीजिए। वहाँ पे ड्रामा और वहाँ पे बहुत आ चुके हैं, तो कुछ बताइए क्या देखिए, खतरों के खिलाड़ी में बेसिकली ड्रामा और कंटेंट होता नहीं, वो बहुत रियलिस्टिक होता है। हर आदमी जीतने के लिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि छिपकली पकड़नी है और आप छिपकली नहीं पकड़ सकते, आपको डर लगता है, फिर भी आप पकड़ने जा रहे हो, तो उसमें एक टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट के अंदर पकड़ ली तो पकड़ ली, नहीं पकड़ पाए तो नहीं पकड़ पाए, तो और जो नहीं पकड़ पाया या जो और बाकी पकड़ पाए हैं तो वो अपनी टाइम के हिसाब से चलेंगे। तो आपने एक बार ऐसी चीज़ कर दी जो आप नहीं कर सकते, आपका फियर बेसिकली उसको फाइट कर लिया, तो फिर तो वहाँ पे अक्षय कुमार साहब, तो अक्षय के साथ मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लिए भी, अक्षय को जानते हैं एज अ पर्सन भी बहुत ग्रेट है और एज एन एक्टर भी, तो क्या कैसा अक्षय कुमार साहब, मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, बचपन से ही उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, बचपन मतलब बहुत ज़्यादा एज नहीं सर, बहुत यंग है, मैं एजड हूँ उनसे ज़्यादा, बट सर उनका एक स्केड्यूल चल रहा है, वो स्केड्यूल अगर कोई भी लड़का फॉलो करेगा तो डेफिनेटली उसका जो भी वो जो टेंशन लेके चलते हैं ना, वो टेंशन खत्म हो जाएगा। वो सुबह सुबह उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद उनका फिटनेस रेगिमा जो है वो बहुत स्ट्रांग है, हम लोग वो नहीं फॉलो कर सकते, हम लोग कहीं ना कहीं शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, वो शॉर्टकट नहीं ढूंढते। इनफैक्ट खतरों के खिलाड़ी जिस सीजन में मैंने भी किया था, उस सीजन में सुबह सुबह सबसे पहले वो सेट पे पहुंचते थे, सेट पे पहुंचने के बाद वो सारे स्टंट खुद प्रैक्टिस करते थे और उसके बाद देखते थे कि डिफिकल्टी लेवल कैसा है, उसके बाद फिर वो स्टंट को परफॉर्म करते थे।
ये भी कहना चाहूँगा, बहुत लोगों को ये भी है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करने से ही कंटेस्टेंट को अप्रोच किया जाता है किसी रियलिटी शो के लिए, वो कितना सही है गलत है ये डेफिनेटली आजकल वो टाइम आ गया है इंस्टाग्राम वाला कि आपके पास जितने फॉलोअर्स हैं आप उतने बड़े सेलिब्रिटी हो। हालांकि मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, मैं अपने काम पर बिलीव करता हूँ। मेरी फिफ्थ मूवी है, पाँचवीं मूवी आ रही है और सारी एज अ मेन लीड की है, तो मैं अपने हार्डवर्क को बिलीव करता हूँ। मैं ये शॉर्टकट नहीं लेता इंस्टाग्राम ट्विटर और टिकटॉक, खत्म हो गया ना टिकटॉक तो, हाँ अब तो रील्स आ गए, अब रील्स आ गए। सो आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। मैं जो जिस टाइम पे मैं गया था जिस एरा में, उस समय वो लोग सुपर मॉडल इंडिया के देख रहे थे एंड आई वाज ग्रैसम मिस्टर इंडिया 2006, तो मेरे लिए एक अचीवमेंट था जो मेरे प्रोफाइल को देख के उन्होंने मेरे को सेलेक्ट किया, इंडिया ऑल इंडिया ने स्पेशली। थैंक्स। रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने से फिल्म प्रोड्यूसर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, आगे क्या करियर होता है? आई वांट टू नो कि कितने लोग रियलिटी शो करके फिल्म प्रोजेक्ट्स में आ गए हैं। आप सपोर्ट कर सकते हो, मेन लीड बनना मुश्किल हो जाता है। सो थैंकफुली मेरे को मेन लीड मिला। बाकी सारे फिल्में भी कर ली है भैया, क्या बोलिए देखती भी हूँ अभी पार्टी करके, जो ये है मुफ्ती में वो मैं देख रही हूँ अभी फिलहाल। अभी आई थिंक क्या नाम है राहुल भी मतलब बाहर हो गया हुआ है, देख के बहुत मजा आता है। मतलब हिम्मत वाली लड़कियाँ हैं, हिम्मत वाली आसान है, पूछ लीजिए उसे कितना मुश्किल होगा। एक्चुअली मैं एक चीज़ बताऊँगी, खतरों के खिलाड़ी के बारे में वो जो जोक होते हैं हमारे गाँव में जोक होते हैं, जब वो चिपकता है तो फूल लेके ही निकलता है बाहर, तो मुझे तो उससे बहुत डर लगता है मामा, कहीं ना कहीं मेरा तो आर्ट भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मैं देखता हूँ बहुत ही मतलब